वेलकम टू MBBS हैक्स। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे ऑप्थल्मोलॉजी के सिनेरियोस की। मैं पहले सिनेरियोस के चीफ कंप्लेंट्स बोलूँगा, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, फिर आपने गेस करना है कि उस सिनेरियो की डायग्नोसिस क्या है, एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सो स्टार्ट करते हैं। एडिमेटस टेंडर आईलिड्स, आईलिड्स जो हैं वो टेंडर हैं एंड एडिमेटस। पर्पल रेड डिमार्केटेड स्वेलिंग, जो आईलिड की स्किन है दैट इज़ पर्पल रेड शार्पली डिमार्केटेड स्वेलिंग। तो इस सिनेरियो की क्या डायग्नोसिस हो सकती है? इट इज़ प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। अब नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड पेन एसोसिएटेड विद मलाइज एंड फीवर। यहाँ पे फीवर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई बॉल प्रोप्टोसिस एक्जियली, एक्जियली आई बॉल बाहर की तरफ निकली हुई है। एंड देर इज रिस्ट्रिक्टेड पेनफुल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड देर इज डिक्रीज विजन एंड पुपिलरी एबनॉर्मेलिटी, मतलब आई की ऑर्बिट के अंदर मसला है, एंड पुपिलरी एबनॉर्मेलिटी जो आई को भी इफेक्ट कर रहा है, विजन को भी इफेक्ट कर रहा है और पीपल्स को भी इफेक्ट कर रहा है। देर इज कंजेशन ऑफ द रेटिनल वेसल्स एंड डिस्क एडिमा, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्बिट के अंदर मसला है, एंड इट इज अफेक्टिंग द रेटिनल वेसल्स एंड डिस्क, कॉजिंग डिस्क एडिमा। तो आपके ख्याल में क्या डायग्नोसिस हो सकती है? तो डायग्नोसिस है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रीसेप्टल और सेलुलाइटिस और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में क्या फ़र्क है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर सी है, ये जो आउटर एज पे है, दिस इज़ द ऑर्बिटल सेप्टम। ये जो रेड रेड है, दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन, दिस इज़ इन्फ्लेमेशन, दिस इज़ इन्फ्लेमेशन इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिटल सेप्टम। सो दिस इज़ प्री ऑर्बिटल, दिस इज़ प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। पे आ जाएँ तो ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे इन्फ्लेमेशन है इन द ऑर्बिट, दिस इज़ द ऑर्बिटल स्पेस जो आई बॉल के इर्द गिर्द है, ये पूरी ऑर्बिट में फैली हुई है। तो इट इज़ डिफ्यूज सेलुलाइटिस, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। नाउ अगर ये एक जगह पे लोकलाइज्ड है दिस इन्फ्लेमेशन, तो इट इज़ ऑर्बिटल एब्सेस, ठीक है। एंड अगर सुपरियोस्टियल एब्सेस, अगर यही इन्फ्लेमेशन आई सॉकेट पेरियोस्टियम के बिल्कुल नीचे है, तो दैट इज़ सुपरियोस्टियल एब्सेस। एंड इफ़ it affects the cavernous sinus, it can cause cavernous sinus thrombosis, which is also a very lethal complication of orbital cellulitis, and it is also an important one. थोड़ा और समझते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और सेप्टल और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो आईलिड एडिमा अगर देखा जाए तो दोनों में ऑलमोस्ट होता है, आईलिड एरिथीमा अगर देखा जाए तो दोनों में होता है, आईलिड टेंडरनेस देखी जाए तो वो भी दोनों में ही होती है, फीवर देखा जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC काउंट इनका इंक्रीज़ होना, दोनों में हो सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जो ऑप्थाल्मोप्लीजिया है, मतलब आई मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, वो सिर्फ आपको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में देखने को मिलेगा, और इसी तरह पेन विद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में देखने को मिलेगा। इसी तरह प्रोप्टोसिस इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर मसला है, ठीक है। तो इट कैन बी प्रेजेंट, कैन नॉट बी प्रेजेंट, बट इट इज़ अ फीचर ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसी तरह विजन इम्पेयरमेंट चूँकि ऑर्बिट के अंदर मसला है, तो मतलब ऑर्बिटल सेप्टम से पीछे, तो इट इज़ अ फीचर ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस विजन इम्पेयरमेंट।